मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं i24/7 देश सबसे पहले। 16 दिसंबर 2012 से लेकर आज तक 7 साल 3 महीने 3 दिन बीत चुके हैं। निर्भया के चारों दोषी फांसी रोकने के लिए आखिरी दिन तक पैंतरेबाजी करने में जुटे हुए हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। फांसी से 2 दिन पहले दोषी अक्षय की पत्नी पुनीता ने बिहार के औरंगाबाद जिले की कोर्ट में तलाक की अर्जी लगा दी। दलील दी कि मैं विधवा की तरह नहीं जीना चाहती, इसलिए फांसी से पहले कानूनी तौर पर हमारा तलाक हो जाए। इस याचिका के बाद सवाल ये है कि इस आधार पर दोषियों की फांसी टल सकती है, तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि 35 साल तक तिहाड़ जेल में लीगल अधिकारी रहे सुनील गुप्ता और सीनियर लॉयर उज्जवल निगम बताते हैं कि तलाक सिविल मामलों में आता है और फांसी क्रिमिनल मामलों में, और क्रिमिनल मामलों पर सिविल मामले असर नहीं डालते। इस कारण 20 मार्च की सुबह 5:30 बजे होने वाली दोषियों की फांसी टलने की संभावना ना के बराबर है।